सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। गुरु प्यारे आओ करो फतेह सांझी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास बाबा स्वरणजीत सिंह ऑन बिहाफ ऑफ इंतजामिया सेवा कमेटी तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब दरबार ब्रह्मज्ञानी संत बाबा वडपाक सिंह जी महाराज, मैं देश ते विदेश दियां सरबत संगतां नूं बहुत दिल दियां गहराइयां तो मुबारक पेश करदा हां कि आपने इना पवित्र पावन दिनां दे विच आके तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब अपनी हाजरी ही नहीं लवाई बल्कि बहुत डूंगी ते निगी मिठी जई सेवा करके आपने तप स्थान दी महान मर्यादा विच हिस्से पाए हैं। जिथे आप जी ने गुरु घर दे विच आके सेवा कीती है उथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नाल जुड़िया इतिहासक गल्लां नूं आप जी ने तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब जी महान स्टेज तो अपने मुखारबिंद चो गुरु साहब की उस्तत करके गुरु दियां खुशियां प्राप्त कीतियां हैं। ये साड़ी विरासत है, ये सानू गुरु वालों बख्शी हुई दात है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों में रह के केवल गुरु की गल करते हाँ। और ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा वडभाग सिंह जी महाराज ने भी सानू यो रस्ता दसिया सी। अज उस रस्ते ते इस पावन पवित्र दरबार विच इस मुबारक मौके ते होलियां दे पावन पवित्र दिहाड़ियां विच लखां ही लोकां ने जो सिख समुदाय दे नाल सिख समुदाय तो दूजे पंथ नाल जुड़े लोकां ने आके गुरु साहिब नूं नमन करके मथा टेक के खुशियां दे पात्र बने। दास उन्हां सेवादारां दा भी बहुत ऋणी है जिन्हां ने हजारां दी तादाद दे विच अपने नाल सरबत संगतां नूं नाल लैके गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचे और गुरुद्वारा साहिब दे विच आके मथा टेकिया। अमृत वेले तो लैके शाम तक गुरबाणी का जो गुणगायन सी उहदे विच बैठ के अपने आप नूं महाराज के रब्बी रंग दे विच जोड़न की कोशिश की। इत्थे तक ही नहीं, तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब ने इस साल स्वच्छता के माध्यम दे विच भी कि साडे गुरु घर जिथे गुरुद्वारा साहब ने जिथे साहिब कमाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है लखां लोकां दे आन दे नाल इस नगर दे विच बहुत ही कुछ अजिहियां चीज़ां फैल जांदियां हैं जिहदे नाल माहौल बड़ा प्रदूषणमई हो जाता है। इस बार दास ने खुद सरबत संगतां नूं लैके अपने वॉलंटियर्स नूं लैके पूरे इलाके की साफ सफाई का ध्यान रखिया ताकि दुनिया दे विच एक पैगाम जाए कि गुरु का सिख जिथे महाराज का प्रकाश है उत्थे स्वच्छता भी बहाल रखता है। गुरु प्यारियो आपने बहुत आनंद लिया है गुरु साहब का गुरु घर दिया रस्मां रवायतां ते वड्याईयां दा। अज मैं हंडर्ड्स ऑफ कॉल रिसीव कर रहा हाँ डेली, लोकां दे दिलां विच एक तड़प सी कि असी इस पावन पवित्र दरबार दे विच पहुँच के होलियां दे दिनां विच अपनी हाजरी लवा दे क्योंकि इस बार होलियां जरा जल्दी आ गईयां और स्कूलों दे विच एग्जाम भी सन। मैं तमाम हिंदुस्तान दे विच रहन वाले लोकां नूं गुरु प्यारियां नूं ये गल कहना चाहता हाँ तुहाडे कोल अजे अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस मेले तो लैके विसाखी दे महान त्यौहार तक हजारां ते लखां दी तादाद विच लोकी आके नकमस्तक हुंदे हन। मैं बेनती करदा हाँ उन्हां परिवारां नूं आप जी नूं खुश आमदीद है
जी आया नू है। तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब दी महान सेवा और इस सेवा दे विच हमेशा आप जी सारियां दा निघा स्वागत है। अपने परिवार जदों भी एग्जाम खत्म होंदे हन आके आप हाजरी लवाओ ते गुरु सिखी सिद्धांत और गुरु साहब दी बाणी दे नाल जुड़ के और बाबा बड़पाक सिंह जी महाराज दे दसे मार्ग ते चल के इन्हां खुशियां नू प्राप्त करो। गुरु साहब कृपा करन साडे उन्हां सेवकां दे उते जिन्हां ने इन्नी वड्डी सेवा करके दिन रात गुरबाणी ते गुरु नाल जोड़िया और संगतां नू प्रेरित कीता कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणी लग के सानू की कुछ प्राप्त हुंदा है। ये जो रस्म है सानू सिख समुदाय नू कदी भी भुलना नहीं चाहिदा। असीं चाहते हाँ, दास बाबा सरनजीत सिंह चाहता है कि मैं पूरी दुनिया दे विच धर्म की गल, गुरबाणी की गल, गुरु साहब की गल, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गल नू लोकां तक पहुँचावां। इस मेले विच मैं शब्द भी कहे कि कोई भी मनुख व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। कई लोग अपने आप नू गुरु अखवांदे ने, नहीं ये झूठ है। दास बिल्कुल उन्हां लोकां नू मैं कहांगा वह गुरमुख नहीं ने, वह मनमुख ने, वह मनमत करते ने। उन्हां लोकां नू यह समझना चाहिए है गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। शब्द के रूप के साडी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सानू गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू मन के चलना चाहिए है। और तमाम वो लोग वो सेवादार जिन्होंने इन्नी वड्डी सेवा दिन रात लंगर लाए और लोगों की सेवा की, ये सेवा गुरसिख नू कदी नहीं भुलनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड दे विच जिथे जिथे भी गुरु घर ने ये जो लंगर की प्रथा है, तकरीबन 85 लाख लोग रोज़ लंगर छकते हैं हिंदुस्तान ते तमाम आले दुआले दे प्रांतां विच और देश बाहरले देशां विच। आओ इस रस्म नू, इस रवायत नू, इस महान सेवा नू अगे चलांदे होए इस सेवा और आपसी भाईचारे दा पैगाम जिहड़ा सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों मिलदा है, उस पैगाम नू पूरी दुनिया दे विच फैलाउण दा यतन करिए ते सब धर्मां दे नाल मुहब्बत दा इजहार करिए। धर्म जिहड़ा है उहदे विच कोई द्वैत भावना नहीं, कोई बुराई नहीं है। इंसान की फितरत है, इंसान के मन के जो कोई अजिहा शब्द आ जाता है तो वह बुराइया छूना शुरू कर देता है। पर गुरु प्यारियो इन्हों त्यौहारों के असी प्रण किया है कि असी बुराई तो दूर रह के गुरु साहब की बख्शिश तो गुरु साहब की खुशी नाल जुड़ना है। उम्मीद करता हाँ कि इस तरह इस रस्म नू, इस महान समागम नू, इन्हां महान समागमों के उत्ते असी पहुँच के यो ही करिए कि असी गुरु साहब के नाल वध तो वध जुड़िए, गुरबाणी पढ़िए, बाणा प्राप्त करिए और अमृत दीआं दातां प्राप्त करके गुरसिखी सिद्धांत विच अपना नाम दर्ज कराइए तो खुशियां प्राप्त करिए। उम्मीद है आप रहिंदे दिनां विच हुम हम आ के गुरु महाराज के पावन पवित्र दरबार से पहुँच के होर बेअंत खुशियां प्राप्त करोगे। इन्ने ही शब्द प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।